नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाली आलू की सूखी सब्जी। वैसे तो सबका अपना अपना ढंग होता है अलग अलग बनाने का, लेकिन हम एकदम सिंपल आसान सा तरीका आपको बताएंगे इसको बनाने के लिए। तो चलिए हम देख लेंगे कि इसमें हमको डालना क्या क्या है। सबसे पहले हमने दो बड़े साइज के आलू ले लिए हैं। उसमें डालने के लिए हमको थोड़ा हरा धनिया चाहिए जो खुशबू आए अच्छी। अभी हमको थोड़ी काली मिर्च पाउडर चाहिए, थोड़ा सा हमको सेंधा नमक चाहिए। अब थोड़े हम ये कड़ी पाक के पत्ते रखे हुए। अभी हमने दो हरी मिर्ची काट के रखे, थोड़ा सा हमको चाहिए जीरा। तो चलिए हम सबसे पहले पैन में ऑयल डालते हैं। आइए तेल गरम हो चुका, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। जीरा सीख चुका, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और ये हमने दो तीन जो कड़ी पत्ते लिए हुए थे वो हम डालेंगे। इसको हम इस तरीके से हिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। ये व्रत में खाने वाली सब्जी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालना है। आलू डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे सेंधा नमक, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। यह काली मिर्ची पाउडर है जो कि व्रत में ही खाया जाता है। चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम दो मिनट सेकेंगे, नहीं तो ये कच्चे कच्चे आलू दिखते हैं, अंदर का पानी भी नहीं सूखता। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए सब्जी हमारी आलू की सूखी वाली एकदम बनके तैयार है खाने के लिए। अगर आपका व्रत है तो एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई करना बनाने का, एकदम इजी आसान सिंपल सा तरीका है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जो हमने काट के रखा था। बस इसका सीक्रेट यही है कि हम एक दो मिनट तक इसको फ्राई अच्छी तरह से करेंगे जो कि अंदर से कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, चलिए हमारी आलू की सब्जी तैयार है खाने के लिए। ये हमारा वीडियो देखकर आप जरूर ये सब्जी बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर आपको ये सब्जी हमारी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूले, और उसी के साथ हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन लगातार पाते रहे अपने मोबाइल पर डायरेक्टली।